पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में रोक लगी है। केंद्र सरकार के ये आदेश के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अब तक के सबसे बड़ी कार्रवाई का अंजाम देन गा है। शहर में 25 ट्रक अमानक पॉलिथीन का जब्त किन गा। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपने पंचे से बजने का प्रणाम करी थी और शुरू करी थी बड़ी खबर से। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम साझा कार्रवाई करी हुई जोने में जब्त पॉलिथीन का नष्ट कई की इसे बिजली बनाई जाए। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से देश भरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में प्रतिबंध लगाए हैं। ये आदेश के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अमला के संगे जिला प्रशासन जबलपुर शहर के चांडाल भाटा के स्थित मनमोहन नगर के गोदामन में ही बड़ी कार्रवाई का अंजाम दें। टीम यहाँ दबिश दई के गोदामन का जो उनके सील रहे उनका खुलवाइन, वहाँ से तकरीबन 25 ट्रक अमानक पॉलिथीन का जब्त करें। लाखन ट्रक अमानक पॉलिथीन की कीमत लाखन रुपये में बताई जाती। ये पूरे माल का जब्त करके बाजार में खपाए के नीति बनाई जा रही है। 25 ट्रक पॉलिथीन जब्त करे के बाद नगर निगम अब एक दोबारा इस्तेमाल के तौर में काम करी। नगर निगम प्रशासन का जैसे नए सिंगल यूज प्लास्टिक के बाजार में खपत हुए की जानकारी मिली तो पहले गोदाम का सील करवाई और उसके बाद अधिकारियों के समूह सलगी टीम गोदाम का खुलवाई के वहां रखा लाखन तक पॉलिथीन का अपने कब्जा में लेहिन। प्रशासन के कार्रवाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के आदेश का कहो न कहो हिम्मत मिली और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ सकत है। तब तक खातिर दे इजाजत, प्रणाम।